down the beard. आज का प्रातः क्लास है 23 अगस्त 1965। इस समय जो भी सेंटर्स के बच्चे हैं ये जरूर समझते होंगे कि मधुबन में ब्रह्मा तन से शिव बाबा मुरली चला रहे होंगे और कोई संस्था नहीं होगी, क्योंकि शाखाएं तो बहुतों की हैं, वो भी टैप आदि भरते हैं, इतना पता नहीं है। तो जहां उनकी हेड ऑफिस होगी, जहां उनका बड़ा गुरु रहता होगा, उनको ही याद करते होंगे। निराकार परमपिता परमात्मा को तो तुम्हारे सिवाय कोई याद नहीं करता है। इस संगम समय पर ही पारलौकिक बाप आते हैं, बच्चों को बैठ परिचय देते हैं और बच्चे निश्चय बुद्धि हो उसी धुन में रहते हैं कि परमपिता परमात्मा इस समय मुरली चलाते होंगे। शास्त्रों में भी है मधुबन में मुरलिया बाजे, तो मधुबन मुख्य है। बाकी सब जगह मुरली जाती है, मनुष्यों की बुद्धि में है कि कृष्ण मुरली बजाते हैं। ये कब किसी की बुद्धि में नहीं आ सकता कि शिव बाबा मुरली चलाते हैं। ये तो किसी को पता ही नहीं है। जहां जहां तुम्हारे सेंटर्स खुलते हैं सभी यही समझते हैं कि शिव बाबा की मुरली ब्रह्मा द्वारा बजती है, जो फिर ब्रह्मा सरस्वती और सब ज्ञान गंगाएं सुन करके सुनाती हैं। तो बुद्धि में शिव बाबा तो याद है ना, शिव बाबा जिसको भगवान कहा जाता है, शिव बाबा मुरली सुनाते हैं, ये कोई भी शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे कहां भी हो समझते हो ये मुरली छप करके आती है, शिव बाबा की आती है। शिव बाबा बगैर ऐसे कोई सिखलाए नहीं सकता है। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको बरसा दूंगा। श्री कृष्ण को तो 108 रानियां दी हैं, कितना गड़बड़ घोटाला है। अब श्री कृष्ण बच्चा उसको 108 रानियां कहां से आई? बाप बच्चों को समझाते रहते हैं अभी मां में एकम याद करो, और कोई के दूसरे के नाम रूप को याद नहीं करो। कोई साकार के फोटो आदि रखने की दरकार नहीं है। साकार मनुष्यों के फोटो आदि तो तुम जन्म जन्मांतर इकट्ठे करते आए हो, उपासना करते आए हो,
देवताओं आदि के चित्र रखना, ये सब तुम्हारा छूट जाता है। तो भक्ति मार्ग का कुछ भी नहीं रहना चाहिए। जब पक्के देही अभिमानी होंगे तब ही ऊंच पद पावेंगे। बाप कहते हैं जितना हो सके कोशिश करके अपने बाप को याद करते रहो तो पावन बनेंगे। बाकी पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है। इसलिए पतित पावन को ही बुलाते हैं, आत्मा बाप को याद करती हैं, शरीरदारी को तब याद करते हैं जब देह अभिमानी बनते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करते रहो। आत्मा ही पतित दुखी बनी है। आत्मा कहती है मैं महाराजा था, अब रंग का बन गया हूं। तुमको अब स्मृति आई है हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से हमने वर्षा पाया है। अब बाप कहते हैं सभी को यही बाप का परिचय दो, इन जैसा शुभ कार्य और कोई नहीं होता है। तो ऐसे शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शरीर पर तो भरोसा ही नहीं है। जवान पर भी भरोसा नहीं है, बूढ़े पर भी भरोसा नहीं है। इसलिए जो कुछ करना हो आज ही कर लो, कल कल करते काल खा जाएगा। बाप ने कितनी बड़ी ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोली है जिससे तुम हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस पाते हो। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पी भी है, निरोगी काया है धन भी है, तो मनुष्य सदा सुखी होते हैं। तो बाप कहते हैं जिसको ये शुभ कार्य करना हो तो अभी कर लो। सिर्फ तीन पैर पृथ्वी के लेकर के हॉस्पिटल खोलनी है। सबको बाप का परिचय दो। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारतवासियों को वर्षा था तो इन बातों को भारतवासी ही सहज समझेंगे। भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर यही है। ये आर्य समाजी तो देवताओं को मानते ही नहीं है, नहीं मानते हैं इसलिए वो दुश्मन बने हैं। समझते हैं ये चित्र आदि जो बनाए हैं ये सब पाखंड है। तो बाप समझाते हैं ये विघ्न तो बहुत पढ़ते रहेंगे, समझाना बड़ा सहज है। बाप का फरमान है जल्दी जल्दी मेरे साथ सगाई कर दो। सगाई करने से ही तुम वर्षे के हकदार बन सकते हो। बाबा रूहानी सर्जन है, तुम उनके बच्चे कहलाते हो, तो तुम भी सर्जन ठहरे। जरूर आत्माओं को ज्ञान इंजेक्शन लगाना पड़े,
इंजेक्शन है मनमना भव, और ये बड़े से बड़ा इंजेक्शन है जो बाप की याद से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये की दवाई है योग की दवाई। बच्चा जन्मता है और बाप की गोद में आ जाता है। तुमको भी पता है हम वेद के बाप से वर्षा लेते हैं याद से, तो याद में ही अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। इस याद को और जास्ती पक्का करते जाओ। सिर्फ तीन पैर पृथ्वी के लेकर के ये हॉस्पिटल खोलो, ये तीन पैर पृथ्वी है ना, नहीं तो ऐसे ऊंच कॉलेज के लिए तो 50 एकड़ जमीन होनी चाहिए। जहां बहुत मनुष्य आकर के पढ़े। 23-8-65 की वाणी का दूसरा पेज। गायन भी है, तीन पैर पृथ्वी नहीं मिलती थी और वो विश्व के मालिक बन गए। तो तुम विश्व के मालिक बनते हो और तीन पैर पृथ्वी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आस्ते आस्ते बढ़ता जाएगा। जो फाउंडेशन लगाने वाले होते हैं उनको बहुत फायदा मिलता है। जैसे देखो कानपुर में माताजी, सहारनपुर में अमर देवी ने फाउंडेशन लगाया है, तो कितने सेंटर्स खुल गए हैं, कितने कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। तो पहले पहले करने वाले को बहुत फायदा होता है, बहुतों के कल्याण के लिए हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोली जाती है। ये भी ऐसे ही है, बाहर में बोर्ड लगा दो, क्लिनिक फॉर हेल्थ वेल्थ किस जनों के लिए, हिंदी में कहेंगे 100% पवित्रता सुख शांति का चिकित्सालय। परंतु बच्चों में शौक नहीं है सर्विस करने का। कुटुंब आदि के जाल को मकड़ी का जाल कहा जाता है। ऐसे जाल में बच्चे खुद ही फंस पड़ते हैं। बाप आकर के रावण रूपी मकड़ के जाल से निकालते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। यहां आए हो अपने जाल में फंस गए, ये है ही माया का राज्य। कितनी बड़ी रावण की जाल है, इस सारी सृष्टि पर रावण की जाल है। सभी अशोक वाटिका में बैठे हुए हैं। इस रावण की जाल में सभी साधु संत आदि फंस पड़े हैं। जब तक बाप ना आवे तब तक इनसे कोई छूट नहीं सकते। ये जाल माया ने बिछाई है जिसमें कितने फंसे हुए हैं। अभी बाप कहते हैं इन गुरुओं आदि सबको भूल करके अपन को आत्मा निश्चय करो और सभी को ये रास्ता बताते रहो। ये षष्ठी चक्र का राज
और कोई भी नहीं बता सकता है। सबसे जास्ती गुरु तो इसने किए हैं। तो गुरुओं की भी जाल में फंसे हैं। ये गुरुओं की जाल सबसे खराब है, बिल्कुल ही बेमुख कर देते हैं। बाप कहते हैं इन सब की जाल से निकल जाओ। सदगति दाता एक ही बाप है, तो बताओ दुर्गति दाता कौन है? कहेंगे दुर्गति दाता है रावण। रावण की मत पर गुरु लोग चलने वाले ठहरे। बाप कहते हैं अब इन सब को छोड़ मामे कम याद करो। याद से ही तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। तो शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। मिसाल भी देख देरी करते हैं, मर जाते हैं, फिर भोग पर जब आते हैं तो बहुत रोते हैं, फिर बोला जाता है तुमने बहुत देरी की, तो कल कल करते काल खा गया। अभी बच्चे बने हो, ज्ञान तो उठा ही नहीं सकते हो, तो ऐसे ऐसे डोरापा दिया जाता है। बहुत बच्चे ख्याल करते हैं कि अच्छा अब हम कल से करेंगे, फिर कल कल करते मर जाते हैं। इसलिए समझाया जाता है जास्ती चिंता करना छोड़ दो। ये लौकिक बच्चे तुम्हारा कोई भी कल्याण करने वाले नहीं है। ये शिव बाबा अब तुम्हारा बच्चा बनते हैं, तो कहते हैं मुझे वारिस बनाओ, मैं ही तुम्हारी सेवा करूंगा। इसलिए बाबा पूछते भी हैं कितने बच्चे हैं। इस शिव बच्चे को वारिस बनाया तो तुम 21 जन्म के लिए माला माल हो जाएंगे। बच्चे के ऊपर बलि चढ़ते हैं ना, कन्या तो दूसरे घर में जाती है, बच्चे के पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। बच्चा ना ही होता है तो दूसरी तीसरी शादी भी कर लेते हैं। बाबा कहते हैं लौकिक बच्चे तो तुम्हारे कुछ ही सेवा नहीं करेंगे। ये एक सबका सच्चा बच्चा बनता है, एकदम सबका खाना आबाद कर देता है। परंतु कई डरते हैं कि पता नहीं सब कुछ देना पड़ेगा या क्या होगा। बाप कहते हैं नहीं, मेरा थोड़ा हिस्सा दे दो, क्योंकि अपने बच्चों की भी तो पालना करनी है। परंतु इस शिव बच्चे का भी ख्याल करो, ये बच्चा तुमको माला माल कर देंगे। काशी के मंदिर में मनुष्य जाकर के बलि चढ़ते हैं, समझते हैं शिव पर बलि चढ़ने से जीवन मुक्ति मिल जाएगी। वास्तव में
ये बात भक्ति मार्ग की नहीं है, ये बात इस ज्ञान मार्ग की है। वहां तो सिर्फ यादगार चलता है, कहां की बात कहां ले गए हैं। और वहां एक कुआं बनाया है, उस कुएं पर तलवार रखी है। अब ये बातें तो ज्ञान की तुमसे बाप करते हैं, अगर इस बच्चे पर बलि चढ़े तो ये तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे, तुम्हें स्वर्ग में महल दे देंगे। वो बच्चा तो तुम्हारा कुछ भी नहीं करेगा, करके ब्राह्मण के लावेंगे। मनुष्य दान पुण्य आज जो करते हैं सो अपने लिए ही करते हैं। तो ये हॉस्पिटल खोलना कितना पुण्य का काम है। जो साहूकार लोग हैं तो वो 10-15 भी हॉस्पिटल खोल सकते हैं। बाबा ऐसे भी नहीं कहते कि बड़ा मकान बनाओ, वो भी तो पैसे खत्म हो जाएंगे। तो इसी पैसे से 50 सेंटर खोल दो, मकान बनाने में तो 1-1.5 लाख भी लग जाता है। तो बाबा कहते हैं कि 50,000 से हॉस्पिटल खोल दो, भले किराए पर खोल दो, ₹23.65 की वाणी का तीसरा पेज। फिर आप ही अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा। तो बाप कितनी सहज युक्तियां बतलाते हैं। गंगा के कंठे पर जाए सर्विस करो, कुछ नहीं तो अपनी पीठ पर ही यह बाबा का परिचय लगा दो। सीढ़ी का चित्र लटका दो तो बहुत पढ़ते रहेंगे। सिर्फ देह अभिमान छोड़ना है। कोई साहूकार बच्चा हो ऐसे ऐसे करें तो कहेंगे वाह, इनको तो देह अभिमान बिल्कुल नहीं है, बाप का परिचय ही तो देना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो सोचना चाहिए हम नरक में क्यों पड़े हैं। अभी बाप आए हैं, कहते हैं कि देह के सब संबंध छोड़ मुझे याद करो, भारत स्वर्ग से नरक कैसे बना है, लक्ष्मीनारायण ने कैसे 84 जन्म लिए, आओ तो हम कथा सुनावें। ऐसी कथा सुनने के लिए वहां ढेर इकट्ठे हो जाएंगे। पतित पावनी गंगा को भी कहते हैं तो पतित पावनी यमुना को भी कहते हैं। अच्छा, पतित पावनी गंगा है तो एक गंगा को ही पकड़ो ना। अब तुमने तो ड्रामा को जाना है, जान लिया है तो फिर समझाना है। अगर औरों को दोष नहीं देंगे
तो कौन कहेगा इनकी बुद्धि में ज्ञान बैठा है। सर्जन इंजेक्शन लगाना, उसके सिवाय कोई इंजेक्शन नहीं लगा सकता। अगर इंजेक्शन नहीं लगावे तो सर्जन कैसे कहेंगे। अभी तुम बच्चों को सारी रोशनी मिली है, तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 जन्मों का राज है। इस ड्रामा को और इसके एक्टर्स को जानना है, एक्टर्स की एक्ट को जानना है। तो ऊंचे से ऊंचे एक्ट है, एक्टर है बाप। वो बाप बच्चों के साथ पार्ट बजाते हैं। तुम स्वर्ग को, तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, परंतु बाप भी गुप्त है और बच्चे भी गुप्त हैं। इनकॉग्निटो नॉन वायलेंस शिव शक्ति सेना है, तो उसमें सब बातें समझानी है। कितने कुंभ के मेले पर जाते हैं, परंतु यहां तो कोई भी जिस्मानी बात नहीं है। तुम्हारी यात्रा तो उठते बैठते चलते फिरते चलनी है। तुम याद से ही पावन बनते हो। वो लोग तो कह देते हैं टट्टी में भी परमात्मा है। बाबा कहते हैं तुम टट्टी करते भी बाप को याद करो। वो फिर कह देते हैं पत्थर ठिक्कर टट्टी आदि में परमात्मा है। तो कितना फर्क हो गया। बाप कहते हैं जहां भी बैठो तुम मुझे याद करो। तो बच्चों को सर्विस बहुत करनी चाहिए। मंदिरों में बहुत भक्त जाते हैं, बस यही पट्टी लगा दो और बाप का परिचय देते रहो। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, शमशान घाट में जाकर के समझाओ, निराकार बाबा की महिमा करो और फिर कृष्ण की भी महिमा करो। निराकार के बाबा की महिमा अलग, कृष्ण साकार की महिमा अलग। फिर पूछो, अब आप लोग बताओ गीता का भगवान कौन है, साकार कृष्ण है या निराकार बाप। ये समझाने के लिए साथ में चित्र भी होने चाहिए। तो सर्विस तो तुम बहुत कर सकते हो। कोई फीमेल सर्विस करे, कुमारी करे, तो अहो सौभाग्य। सर्विस करने के लिए कुमारी तो बहुत अच्छी, कन्याओं का बाप तो है निराकार। ये कृष्ण कन्हैया नहीं था, ये तो बाप है। बाप को ख्याल आता है कैसे बच्चों को सिखलावे। कल पहले भी रामानुसार यही सुनाया था, आज फिर यही बातें सुनाता हूं। तो तुमको अंधों की लाठी बनना है। जिन बच्चों को परिचय मिलता है वो बच्चे फिर दूसरों को ले आते हैं। अगर दूसरों को नहीं लाए तो गायब, गोया बाप का परिचय नहीं लिया।
परिचय देने का पुण्य बहुत होता है। इस बात का अपने पास हिसाब रखो, कितनों को हमने बाप का परिचय दिया। जितना हम करेंगे तो फल हमको मिलेगा। कोई को ले आवेंगे तो उसका फॉर्म बहुत कल्याण हो जाएगा। तो इस धंधे में बच्चों का अटेंशन बहुत चाहिए। अगर सर्विस ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? इसलिए सर्विस सर्विस और सर्विस। तुम कहते ही हो हम गॉडली सर्विस पर है। अपने घर वालों की भी बल सर्विस करो। सारा राज समझाते हैं। कोई अबला रावण के बस में है तो क्या कर सकती है? तुम्हारी आत्मा शिव बाबा की याद में है। कोई जबरदस्ती कत्ल करते हैं, भिखारी बनाते हैं तो तुम शिव बाबा की याद में तो हो। तुम शिव बाबा की याद में रहेंगी तो तुमको कोई दोष नहीं लगेगा। परंतु सच्ची दिल चाहिए। सच्ची दिल पर सच्चा साहब राजी होगा। ऐसे नहीं विकारों का भी सुख लेते रहो। सीमत पर चलना पड़े। इन विकारों का तो बहुत ध्यान देना है। कोई क्रोध करते हैं तो क्रोध करने वालों का कभी सामना नहीं करना चाहिए। और ही हर्षित मुख रहना चाहिए तो पता लगे तुम पर क्रोधियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर तुम योग में रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। उस समय जैसे कि तुम अशरीरी हो। बाबा हम तो आपकी याद में रहूंगे। ये शरीर का देवांग हमने छोड़ दिया है। ये देवान तो कुत्ते मिसल खून चूसता है। कुत्ते को हड्डियां मिलती हैं तो अपने ही दांतों से ब्लड निकालता है। उस ब्लड को चूसता रहता है। बाप शिक्षा देते हैं बच्चों को कि कभी विकार में नहीं जाने देना। अगर तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते हैं तो वो जैसे कूतरे मिसल है। अगर उनको धन दिया और उसने कोई पाप कर लिया तो धन दान करने पर ही पर करने वाले पर भी बोझ आ जाता है। बाबा राय देते हैं। परंतु ऐसे बहुत बच्चे हैं जो पहले कर लेते हैं फिर बताते हैं। समझते हैं ये करके पीछे बाप के बनेंगे। परंतु ऐसे करते करते मर ही जाते हैं। मर गई तो खलास। तो बाबा सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। जो साहूकार लोग हैं वो तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। वो सर्विस करेंगे तो उनका बहुत नाम हो जाएगा। तुम बच्चों को भी यही धंधा करना है। तुमसे जास्ती साहूकार तो और कोई हो न सके। यहां भी मंदिर के सामने तुम्हारा ये आश्रम होना चाहिए।
वो जड़ आश्रम जड़ मंदिर है और तुम्हारा चैतन्य। दूसरा तो कोई इन बातों का परिचय दे ही नहीं सकता। ट्रेन में जाते हो तो भी यही सर्विस करते रहो, ऐसी सर्विस करेंगे तो बाप भी खुश होगा। इस धंधे में लग जाओ तो भविष्य की जन्म सदा सुख का वर्ष मिलेगा। अच्छा, माता पिता बाप दादा का सिले बच्चों पे याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।
शांति। आज का प्रातः क्लास है 25/8/1965। रिकॉर्ड चला है जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। इस ज्ञान मार्ग में गीतों कविताओं डायलॉगों की भी जरूरत नहीं है। ये तो सब भक्ति मार्ग में चलता है। क्योंकि यहाँ तो है समझ की बातें। हर बात को बुद्धि से समझना होता है और है भी बहुत सहज। यानी ये ज्ञान बहुत सहज है। एक भी पॉइंट से मनुष्य पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। गीत सुनने व कविता बनाने की कोई जरूरत नहीं है। गृहस्त व्यवहार में रहना है और धंधा धूरी भी करना है। बाप कहते हैं वो सब करते परंतु तुम मेरे से वर्षा कैसे ले सकते हो, वो बात समझाते हैं। उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहना है। अंदर में विचार सागर मंथन चलता रहे। बाप ने समझाए दिया है, बात बिल्कुल सहज है। सहज बात है समझाने की। नई दुनिया पुरानी बनने में समय लगता है, फिर पुरानी से नया बनने में इतना समय नहीं लगता है। बच्चों को समझाया गया है कि नई सृष्टि बाप रचते हैं, नए से फिर पुरानी होती है। ये सुख और दुख की दुनिया बनी हुई जरूर है, परंतु सुख कौन देते हैं और दुख कौन देते हैं ये किसको भी पता नहीं है। बनी बनाई भी दुनिया जरूर है। इस दुनिया से हम कोई भी निकल नहीं सकते हैं। इसको कहा जाता है ड्रामा। नाटक के बदली ड्रामा कहना अच्छा लगता है। नाटक जो होता है उसमें बदली सदली हो सकती है। कोई को निकाल सकते हैं, कोई को ऐड कर सकते हैं। आगे नाटक होते थे। ये बायोस्कोप आदि बाद में निकले हैं। बायोस्कोप में जो फिल्म शूट हुई वो ही फिर रिपीट होगी। तो ये बायोस्कोप निकला है। इस ज्ञान को इसके द्वारा समझाने के लिए। बाकी नाटक में फर्क हो जाता है, बायोस्कोप में फर्क नहीं हो सकता। इसलिए ड्रामा नाम ठीक है। एक स्टोरी है
नई पावन दुनिया और पुरानी पतित दुनिया की। सिर्फ मनुष्यों को ये पता नहीं है कि दुनिया की आयु कितनी होती है। उन भक्ति मार्ग वालों ने तो बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी है, मनुष्य कुछ भी नहीं समझ सकते। नई दुनिया में कितने समझदार, धनवान, पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये बातें बाबा आज क्यों समझा रहे हैं कि बच्चे भी जाकर के ऐसे ऐसे भाषण करें। पहले पहले भारत की महिमा करनी चाहिए, भारत को ऐसा किसने बनाया, वो भी महिमा निकलेगी, परमपिता परमात्मा की ही महिमा निकलेगी जिसको सभी याद करते हैं। और याद भी क्यों करते हैं, क्योंकि पुरानी दुनिया में बहुत दुख है। इन आचार्यों आदि को तो कुछ भी पता नहीं है। सतयुग त्रेता को सुखधाम कहा जाता है, वो ईश्वरीय स्थापना है। फिर आधा कल्प जो दुख है वो आसुरी स्थापना, जिसमें मनुष्य पांच विकारों में फंस पड़ते हैं। ये भी समझते हैं कि बाप ही लिबरेट करते हैं, जो लिबरेट करने वाला है वो फंसाने वाला थोड़े ही होगा। उनका तो नाम ही है दुखहरता सुखकर्ता। उनके लिए कभी भी दुखकर्ता नहीं कह सकते। और ये किसको पता नहीं है कि दुख देने वाले पांच विकार हैं, जिन विकारों से ही बाप आकर के छुड़ाते हैं। ये भी बड़ी सहज समझने की बातें हैं। सारी दुनिया में इस समय रावण राज्य है, सिर्फ लंका की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में तो कैसी फालतू बातें हैं, कितने शास्त्र बनते हैं। विलायत में भी जो फिलॉसफर होते हैं अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी किताबें बनाते रहते हैं, ढेर की ढेर किताबें हैं, उनमें नॉवेल्स भी हैं। मनुष्यों की अपने अपने विचार हैं, जिसको जो बुद्धि में आया लिख देते हैं, वैसे ही ये शास्त्र हैं। अपना अपना शास्त्र बैठ बनाए देते हैं। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। भगवान वाच, ये वेद शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तपादि करना, जो कुछ तुम करते आए हो सब उतरती कला है। और जो कुछ तुमने बनाया है वो सब अपन को गिराने के लिए बनाया है। तुमको जो मत मिलती है वो गिरने की, क्योंकि उतरती कला है। पहले पावन दुनिया थी, अभी पतित दुनिया है, आधा कल्प नई दुनिया। जैसे 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे के बाद दिन पूरा हो रात होती है, वैसे ये भी ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ये शास्त्रों में गाई हुई है, विष्णु के दिन रात नहीं कहेंगे,
विष्णु बेचारा कुछ भी नहीं जानता। ये कितनी गुह्य बातें हैं, सिवाय बाप के कोई समझा ही नहीं सकता। बहुत बच्चे हैं जो थोड़ी सर्विस करने से ही बड़ा अहंकार आ जाता है, समझते हैं हमारे जैसा होशियार कोई है ही नहीं। ये ब्रह्मा जो कुछ सुनाते हैं वो हमको सब पता है, ऐसा ऐसा देह अभिमान आ जाता है, मिजाज ही चढ़ जाता है। 25-65 की वाणी का दूसरा पेज, एक पहा का भी है, चूहे के मिली हैडगरी तो अपन को पंसारी समझने लग पड़ा। बाप समझाते हैं अभी तुमको तमोप्रधान से सतोप्रधान में जाना है, अभी अर्जुन अपनी बादशाही थोड़ी स्थापन हुई है, थोड़ा ज्ञान मिलने से ही मगरूरी बहुत आ जाती है, इतनी मगरूरी चढ़ जाती है कि बाबा में भी आंख नहीं डूबती, समझते हैं शिव बाबा तो शिव बाबा है, ये ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं तुम ऐसे समझो कि शिव बाबा ही समझाते हैं, समझते हैं ये ब्रह्मा क्या चीज है, हमको तो शिव बाबा से लेना है। ब्रह्मा तो खुद भी कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, ऐसे भी हैं समझते हैं हमारा तो शिव बाबा से ही योग है, तो ब्रह्मा से भी अपन को होशियार समझते हैं। बाप कितना सहज बच्चों को समझाते रहते हैं, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना है, ये बातें भी तुम अबलाएं समझ सकती हो। नई दुनिया क्या है, पुरानी दुनिया क्या है, नई दुनिया तो रचने वाला एक बाप ही है, नई दुनिया में स्वर्ग था फिर ये नरक किसने बनाया, कहेंगे रावण ने बनाया। अब ये रावण कौन है ये राज भी तुम बच्चों को समझाया है, कोई विद्वान पंडित आज नहीं समझा सकते, वो तो कह देते हैं ये जगत ही मिथ्या है। सब काल्पनिक बातें हैं, वो जो शास्त्र आदि सुनाते हैं वो तो कह न सके ये कल्पना है वरांग है, तुम समझाए सकते हो, अगर जगत बना ही नहीं है तो तुम सब कहां बैठे हो। ये जो वर्ल्ड रिपीट होती रहती है उसकी पूरी नॉलेज चाहिए, नॉलेज नहीं होने के कारण कह देते हैं ये सब मिथ्या है, जिसने जो सुनाया सो सत्य। बुद्धि में शास्त्रों का बड़ा भूसा भरा रहता है, तुम तो एक बात में ही खुश होते हो, उन विद्वानों पंडितों आदि को तो शास्त्रों का बहुत घमंड है, ये शास्त्र हैं कुछ भी नहीं। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, आधा कल्प बाप ने बरसा दिया, फिर रावण से हराया, ये खेल बना हुआ है। अभी भारत पर रावण का श्राप है, राम बरसा देते हैं, कहते भी हैं राम राज्य चाहिए,
तो जरूर रावण राज्य है ना, परंतु ऐसा समझते नहीं है कि हम आसुरी रावण संप्रदाय। तुम जानते हो वो है आसुरी संप्रदाय और ये है ईश्वरीय संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय को ईश्वरीय संप्रदाय की पहचान नहीं है, सब नरकवासी हैं, एक दो को काटते रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ईश्वर क्या चीज है। अपना घमंड कितना चढ़ा हुआ है। बच्चे जानते हो हम अभी ईश्वर के बने हैं और उनकी मत पर चल रहे हैं। कोई भी बड़ा हाल लेकर के लेक्चर करो, समझाना है बाप ने नई दुनिया रची, वो नई दुनिया स्वर्ग था। तुम्हारे पास ये चित्र तो बहुत अच्छे हैं, ये चित्र बड़े बड़े सबके पास होने चाहिए, बड़े पर समझाना अच्छा होता है। चक्कर सामने खड़ा है, संगम युग भी लगा हुआ है, कलयुग है, काला पतित अर्थात उसमें लोहे की खाद पड़ने से काला बन गया है। पहले भारत कितना गोल्डन एज था, अब फिर उनको आयरन एज से चेंज होना पड़े, उनकी स्थापना इनका विनाश होना है। गाया भी जाता है परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति का अर्थ कोई नहीं समझते हैं। रोड पर भी त्रिमूर्ति नाम रखे हुए हैं। इस संगम की ही यादगार है, जरूर तीन मूर्तियों ने रास्ता बताया है। वास्तव में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, तीनों देवताएं अलग अलग हैं। इन सबसे ऊंचे ऊंचे है परमपिता परमात्मा शिव, वो करण करावन हार है, परंतु उनको तो गुम ही कर दिया है। देवताओं से भी ऊपर तो निराकार भगवान है, जैसे बाप निराकार है हम आत्माएं भी निराकार हैं। हम यहां आते हैं पाठ बजाने। पहले पहले लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी, जो एक दो के पिछाड़ी राज्य करते चले आए, तो स्वर्ग की महिमा सुनानी पड़े। बताओ भारत कितना धनवान था, प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी सब थी। उस समय कब अकाल मृत्यु नहीं होती थी, नई दुनिया थी, और वो नई दुनिया बाप ने ही रची। अब तो पुरानी आयरन एज दुनिया है। इस दुनिया में कितने दुखी हैं। भारत शिष्टाचारी था, अब वो ही भारत भ्रष्टाचारी है। तो प्रश्न उठता है भ्रष्टाचारी किसने बनाया, कहेंगे रावण ने बनाया। सतयुग में रावण राज्य नहीं हो सकता, ये नरक की दुनिया है, डेविल वर्ल्ड, सतयुगी डीवर्ल्ड डीटी वर्ल्ड है। आधा कल्प डीटी राज्य चलता है, फिर बाद में उतरती कला में आते हैं, उतरते उतरते फिर डेविल बनना पड़ता है, फिर ये झूठे शास्त्र आदि सब बन जाते हैं। 25, 60, 65 की वाणी का तीसरा पेज, भारत बिल्कुल ही कंगाल बन जाता है। तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट बतलाना चाहिए। नई दुनिया में 16 कला संपूर्ण, अभी पुरानी दुनिया में कोई कला नहीं।
फिर बाप 16 तलाक संपूर्ण बनाते हैं, कहते हैं बच्चे अब मन मना भव हो जाओ, माम एकम याद करो। ये भगवान वाच है और भगवान तो निराकारी होता है, उनको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं, कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। फिर गीता में कृष्ण का नाम क्यों डाल दिया? कोई द्वारा साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे बस ये तो कृष्ण का रूप है। बाबा ने अरविंद घोष का मिसाल दिया, सन्यासी लोग भी अंदर बहुत छिपते रहते हैं, वेश बदल लेते हैं, उनों की भी CID रखते हैं, जो अंदर में घुस करके जांच करते रहते हैं, वेश बदल देते हैं, तो उनों की भी CID रखते हैं। अरविंद में तो कोई ताकत नहीं थी, बाद में कोई आत्मा ने आकर के प्रवेश किया तो उनका कितना प्रभाव निकल पड़ा, सब एक्टर्स ड्रामा में नंबर वार पार्ट बजाते हैं। तुम बच्चों में बहुत ताकत है, जो तुम ही ऑलराउंड पार्ट बजाते हो, तो दुनिया में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं, मनुष्यों का भाव बैठ जाता है, फिर भी बीमारी रोग दुख आदि तो होता ही रहता है। भाव किस में बैठ जाता है तो फिर उनका लॉकेट बनाए गले में डाल देते हैं, गुरु का लॉकेट पहन करके बहुत गुरु को याद करते हैं, कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। बस अगर ईश्वर सर्वव्यापी है फिर गुरु और ईश्वर में तो कोई भी फर्क नहीं हुआ, ऐसे ढेर समझने वाले हैं। तो बच्चों को पुरानी दुनिया और नई दुनिया का राज समझाया है, बाप नई दुनिया रचते हैं, अभी सब बाप को पुलाते हैं, कहते हैं पतित पावन आओ, आकर के पावन दुनिया स्थापन करो, या तो कहते हैं हमको पावन बनाए ले चलो। तो दो धाम हैं, एक निर्वाण धाम और दूसरा सुख धाम। सन्यासी तो नाली ही देते हैं मुक्ति के लिए, वो जीवन मुक्ति के लिए तो नाली दे ही नहीं सकते। तुम देवी देवता धर्म वाले ही हो, जो पुजारी बने हो, अभी फिर से तुमको पूजी बनना है। भारतवासी ही कृष्ण को याद करते हैं, वो कृष्णपुरी है, ये सारी दुनिया कंसपुरी है, श्री कृष्ण है सतयुग का प्रिंस, प्रिंस प्रिंसेस की महिमा होती है, कुमार कुमारियों की महिमा होती है, क्योंकि वो पवित्र रहते हैं, नहीं तो कृष्ण से राधे की महिमा ज्यादा होनी चाहिए। परंतु ये किसी को पता नहीं है, फिर कृष्ण और फिर राधे क्यों? कहते भी हैं राधे कृष्ण, कृष्ण राधे मुश्किल ही कोई कहेंगे, समझते हैं बच्चा वर्षे का हकदार बनता है, इसलिए जास्ती कृष्ण की महिमा करते हैं। ये भी समझने की बातें हैं, कृष्ण बनेंगे तो वर्षे का हकदार बनेंगे। यहां तो तुम सब बच्चे हो, बाप कहते हैं तुम जैसा पुरुषार्थ करेंगे
उतना हम अपने लिए वर्षा पावेंगे और जन्म जन्मांतर के लिए वर्षा पावेंगे। अब जितना चाहे पुरुषार्थ करो। बाप आत्माओं से ही बात कर रहे हैं। पुरुषार्थ से तुम ऊंच वर्षा प्राप्त कर सकते हो, नजर तो आत्मा पर ही रहती है ना। विलायत में बच्ची पैदा होती है तो बहुत खुश होते हैं, यहाँ बच्चा होवे तो खुश होंगे। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। अब ये रस्म रिवाज सारी कहाँ से पड़ी? कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं, क्राइस्ट को विलायत में ले गए हैं। बातें तो सारी यहाँ से उठी हैं। तो तुम बच्चों को ये बातें बुद्धि में लाने से बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो बेहद का बाप वर्षा देते हैं, फिर साप गाया जाता है, वो तो रावण राज्य में ही गाया जाता है। माया साप देती है, बेहद का बाप तो वर्षा दे रहे हैं। वो ही गॉडफादर है, वो ही स्वर्ग का रचयिता है। कृष्ण के लिए तो कोई नहीं कह सकता, परमपिता परमात्मा ही पतितों को पावन बनाए, नरक को स्वर्ग बनाते हैं। सहज राजयोग और सहज ज्ञान सिखलाते हैं, ऐसे ऐसे भाषण में तुम समझा सकते हो, तुम सिद्ध करके एक बता सकते हो। गीता में कृष्ण का नाम डाल करके गीता को खंडन कर दिया है। गीता का भगवान तो बाप है, कृष्ण बच्चा नहीं है, वो कृष्ण तो रचना है। उस कृष्ण को ये वर्षा बाप से मिलता है। कैसे मिलता है सो आकर के बैठ के समझो। कोई भी बात उठाए तो उन बातों पर समझाने लग पड़ो। पुरानी दुनिया नई दुनिया पर समझाने से उसमें सब बातें आ जाती हैं। अभी अनेक धर्म हैं, उन अनेक धर्मों के बीच फिर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। कितना समझाया जाता है, इन पांच विकारों को छोड़ दो, अपने घर में भी किसी पर क्रोध न करो। ख्याल आना चाहिए, जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख करके फिर और भी करेंगे। मैं भिखारी बनूंगा तो मुझे देख करके और भी भिखारी बनने लग पड़ेंगे। स्त्री को अडॉप्टेड किया है तो उनको खड्डे में गिराने के लिए थोड़े ही किया है। बाप तो फरमान करते हैं अब पवित्र बनो, खुद भी पवित्र बनो और स्त्री को भी पवित्र बनाओ, कोई पर क्रोध न करो। तुमको देख करके वो भी करने लग पड़ेंगे। मेल तो रचयिता होता है तो स्त्री को भी पकड़ना चाहिए, समझाना पड़े। फिर अगर तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, समझाना है। बाप कहते हैं पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप तो समझाते हैं कि तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। 25-7-65 की वाणी का चौथा पेज। पहले तुम सतो प्रधान पावन थे, फिर रजो में तमो में आए, अब फिर मुझे याद करने से सतो प्रधान बन जावेंगे। गीता के वर्षन से भगवान कह रहे हैं,
गीता में कृष्ण का नाम डालने से भगवान की सारी जीवन कहानी खत्म हो जाती है। बाबा ने समझाया है, तुम ये भी लिख सकते हो ये गीता भरतनाट्य पहनी है। इस गीता को पढ़ने से भारत कंगाल बन पड़ा। इन बातों को समझाने की बड़ी हिम्मत चाहिए, कईयों को तो फिर उल्टा घमंड आ जाता है, समझते हम बहुत होशियार हैं। ऐसे ऐसे देह अभिमान में आने से गिर पड़ते हैं, समझते हैं हम तो शिव बाबा के हैं ही, ये नहीं समझते हैं कि इनकी दिल से अगर उतर गए तो उनकी दिल पर भी उतर जाएंगे। बाप को याद करने से उल्टे काम नहीं होंगे, ना याद करने से उल्टे काम ही होंगे, तो उनकी दिल से भी उतर जाएंगे। बाप तो सब कुछ समझाते रहते हैं। बहुत बच्चे समझते हैं कि हम तो सिर्फ शिव बाबा को ही जानते हैं, हमारा सिर्फ शिव बाबा से ही कल्याण होना है, परंतु वो भूल करते हैं। तो बाबा इशारा देते हैं, परंतु थोड़ा भी समझाने से लून पानी हो जाते हैं। अब लून पानी थोड़े ही बनना चाहिए, समझाया जाता है ऐसे ऐसे ना करो। कोई कोई तो ऐसे हैं जो एक दूसरे को रिगार्ड देना भी नहीं आता है, अपन से बड़ों के साथ तुम कह करके तू तू करके बात करते हैं। बाप कहते हैं इस सेंटर से तुम बदली हो करके फलाने सेंटर पर जाओ, तो बाप के फरमान को भी नहीं सुनते हैं, समझते हैं ये तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा थोड़े ही कहते हैं। पता नहीं इनको शिव बाबा कैसे सहेंगे, क्या शिव बाबा ऊपर से रणियां मारेंगे, ऊपर से आवाज आवेगी, जैसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया। अब अल्लाह मियां निराकार ऊपर से फरमाते हैं क्या? ऐसों को कहा जाता है महान मूर्ख। ज्ञान तो शिव बाबा देते हैं, तुम उनका ही फरमान समझो। तो बाबा कहते हैं तुम फलाने सेंटर पर जाकर के देख रेख करो, बहुत सेंसिबल बच्चे हैं, उनको शौक होना चाहिए कि फलाना सेंटर गुरा हुआ है, हम उनको जाकर के उठाऊं। अब बिगर कहे करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य, और कहने से भी नहीं करे तो उनको क्या कहेंगे। अच्छा, बाप दादा का सिकिंदे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।